हापुड़ में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां अधिकतर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा के लिए किसी तरह की कोई इंतजाम नहीं किए गए। मानव रहित रेलवे फाटकों पर स्कूली बच्चे बेखौफ होकर फाटकों को पार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकारियों की तरफ से इन फाटकों को बंद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। वहीं छात्र ने बताया कि उन्हें रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय डर लगता है। यहाँ कोई फाटक नहीं है। तो आप स्कूल डेली स्कूल जाते हो? हाँ, कभी कभी डर भी लगता है, ट्रेन आ जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर कोई किसी तरह का हादसे भी होते हैं? हाँ, एक बार हुआ था। टूटी से तो मैं ट्रैक में हूँ जी, कभी से फाटक पे चलते हैं, इसकी बात नहीं है। तो यहाँ कोई परमानेंट गेटमैन नहीं है? परमानेंट गेटमैन नहीं कोई भी। तो यहाँ क्रॉसिंग पर दिन में सिर्फ प्राइवेट आदमी लगा हुआ है दिन में तो। अच्छा, और नाइट में रेलवे का आदमी लगा हुआ है परमानेंट। तो वो करते क्या है जब फाटक यहाँ जैसे लगा कर रखते हैं 24 घंटा? अच्छा, गाड़ी आती दिन में झंड लगा रखते हैं, गाड़ी आती है तो पहले चैन बंद करते हैं जी, फिर लॉक लगाते हैं, उसके बाद झंझ हटाते हैं। तो यहाँ फाटक नहीं है? कोई फाटक नहीं है। तो चैन से आप यातायात रोकते हैं? हाँ। उधर फरुखाबाद में भी स्कूल वैन चालक संख्या से ज्यादा ही बच्चों को घर से स्कूल तक ले जाते हैं। आलम यह है कि मानव रहित क्रॉसिंग पर सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से यहाँ स्कूल वैन चालक ज्यादा बच्चों को लेकर यात्रा करता है। हापुड़ से नदीम अहमद और फरुखाबाद से दिलीप कटियार, पंजाब केसरी टीवी।